गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अन अकेडमी एसएससी जेई, वन स्टेप सॉल्यूशन फॉर ऑल एएन एंड जेएन एग्जामिनेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? तो फटाफट जो स्टूडेंट अभी हमसे जुड़ चुके हैं, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि हम सभी मिलके आज एक न्यू टॉपिक की शुरुआत कर सकें। आज का जो न्यू टॉपिक है वो है आपका बेल कोलमन साइकिल। बेल कोलमन साइकिल विच इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम एवरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और इस टॉपिक से हर एग्जाम में कम से कम 3 या 4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, पूरा का पूरा बेल कोलमन जो साइकिल है उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। कल हमने क्या पढ़ा था बेटा? कल हमने पढ़ा था VARS। कल जो हमने साइकिल पढ़ी थी वो साइकिल क्या थी? कल जो हमने साइकिल पढ़ी थी वो थी बेटा हमारी VARS साइकिल। ठीक है, VARS साइकिल में मैंने कल आपको बताया था कि वी आर गोइंग टू यूज मिनिमम 2 नंबर ऑफ फ्लूइड्स इन द VARS। 3 फ्लूइड्स भी हो सकता है इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन में, और इसमें केमिकल एफिनिटी के अकॉर्डिंग हम वर्किंग फ्लूइड्स को चूज करते हैं, और वर्किंग फ्लूइड्स के बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो काफी ज्यादा होना चाहिए। सो अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग टू प्रिंस, रोहित, शुभम, अरविंद, अनिमेश, दीक्षा। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? फटाफट इस वीडियो के लिंक को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, है ना? यस 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 यस, चलिए, बिल्कुल। आनंद ही आनंद है जीवन में। होना भी चाहिए, बिल्कुल होना भी चाहिए। तो जब तक जीवन में आनंद ना हो, व्यक्ति खुश ना हो, तो वो कुछ भी पढ़ाई नहीं कर पाएगा अच्छे से। ओके, गुड इवनिंग ज्योति, थैंक्स फॉर योर डेडिकेशन ऑन द अन अकेडमी। आपने हमें हेड डेडिकेट किया था, थैंक यू सो मच। यस यस यस, थैंक यू प्रिंस, थैंक यू सो मच। चलिए इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं, और आज का जो ये सेशन हमारा होने वाला है इसमें हम पढ़ने वाले हैं बेटा बेल कोलमन साइकिल। विच साइकिल? बेल कोलमन साइकिल, एंड दिस साइकिल इज ऑल्सो नोन एज रिवर्स्ड जूल साइकिल। कैसी साइकिल? रिवर्स जूल साइकिल, इसको ब्रेटन साइकिल भी बोल सकते हैं। रिवर्स ब्रेटन साइकिल बोलेंगे तब अच्छा लगेगा, रिवर्स ब्रेटन साइकिल। ठीक है, चलिए अब हम हमारे इस अमेजिंग सेशन की शुरुआत करते हैं। दिस इज छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट मी। जो स्टूडेंट पहली बार आए उनको मैं बताना चाहता हूँ, दिस इज योर फैकल्टी विशाल शर्मा। ठीक है, आई एम टीचिंग सिंस 2015 एंड आई हैव क्वालिफाइड द गेट 4 टाइम्स। जो मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो एनर्जी रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, थर्मोडाइनमिक्स, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, आईसी इंजन, आरएसी, हीट एंड मास ट्रांसफर अलोंग विद द फ्लूइड मैकेनिक्स। मतलब जो आपका पार्ट वन है ईएससी का वो सारा का सारा हम आपको पढ़ाते हैं। अगर आपको अनअकैडमी ज्वाइन करना है, यू कैन यूज बाय रेफरल कोड विशाल 11 इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। और ये अनअकैडमी के कुछ बेनिफिट्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर बेनिफिट्स की लिस्ट खत्म नहीं होती है। तो जिन स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर रखा है अनअकैडमी आप उनसे पूछिए, जो स्टूडेंट स्पेशल क्लास देखते हैं आप उनसे पूछिए कि अनअकैडमी का जो इंटरेक्शन है फॉर द एजुकेशन, फॉर द नॉलेज, फॉर द क्लासेस, वो इंटरेक्शन कितना धासु इंटरेक्शन है, कितना धासु इंटरेक्शन है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पर पोल होता है, आप अपने क्वेश्चंस को अनअकैडमी में भेज सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफ द अनअकैडमी। क्लास खत्म होने के बाद आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, क्लास फिक्स टाइम पर होती है, पूरा शेड्यूल आपको मिलता है। ठीक है, एक फैकल्टी नहीं, आपको बहुत सारी फैकल्टी मिलती है सेम सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, तो आपकी जिसके साथ ट्यूनिंग बैठती है आप उन फैकल्टी से आराम से पढ़ सकते हैं। तो विच मीन्स सिंगल सब्सक्रिप्शन में आप मल्टीपल कोर्सेज को एसेस कर सकते हैं। कोमल, हाँ बिल्कुल सेम है। देयर विल बी डेली लाइव क्लासेस ऑन द फिक्स टाइम, फिक्स टाइम पे क्लास रहेगी, सो दैट यू कैन प्लान योर डे अकॉर्डिंग टू यू। आप अपने अकॉर्डिंग डे को प्लान कर सकते हो कि जिस टाइम आप फ्री हो, किस टाइम आपको रिवीजन करना है, किस टाइम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगवाने हैं। क्रैश कोर्स भी अवेलेबल होता है जो कि आपके स्कोर को बूस्टअप कर देता है। ऐसा होता है ना कि
कभी कभी हम एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम देने से पहले थोड़ा सा अगर हम कुछ पढ़ लेते हैं और वही अगर एग्जाम में आ जाता है तो वो हमारे लिए एडिशनल मार्क्स होते हैं। तो ठीक उसी तरीके से एक क्रैश कोर्स होता है जो कि पूरा इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो बिल्कुल आपका कंप्लीट रिवीजन 3-4 बार हो चुका होगा। रैंक इंप्रूवमेंट बैच इज फॉर द गेट एग्जामिनेशन बेटा। अगर आपके कोई फ्रेंड गेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए है रैंक इंप्रूवमेंट बैच। कंटेंट विल बी अवेलेबल इन इंग्लिश एंड हिंदी एज वेल एज देयर विल बी अ डाउट सेशन। एवरी फोर्थ क्लास विल बी द डाउट सेशन। यस फैबुलस बॉय, गेट वेल सून बेटा, गेट वेल सून। देयर विल बी वीकली टेस्ट ऑल ऑल्सो अवेलेबल देयर। आपका पूरा हफ्ता भर में जो आपने पढ़ा है उसका एक वीकली टेस्ट भी होता है। ये हमने एक वीडियो लिया था जिसको मैं डेली शेयर करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से बुक्स को पढ़ा जाता है। अन अकेडमी फ्री स्पेशल क्लास में आपकी नाक सीरीज आने वाली है। अलोंग विद दिस आपको मैं एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मैंने एक जीएस बूस्टर, लिसन केयरफुली, एक जीएस बूस्टर सीरीज स्टार्ट की है कल से। जीएस बूस्टर मैंने सीरीज स्टार्ट की है कल से, जिसमें मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी स्पेशल क्लास में पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपको स्पेशल क्लास में पढ़ाऊंगा। दैट इज ए जीएस बूस्टर सीरीज फॉर द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द टेक्निकल एग्जामिनेशन। और जिस टेक्निकल एग्जामिनेशन में नॉन टेक्निकल पोर्शन आता है तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप उस नॉन टेक्निकल पोर्शन की प्रिपरेशन के लिए आप इस सीरीज का हिस्सा बन सकते हैं। ये जो आपकी क्लास रहेगी बेटा डेली, ये आपकी क्लास 4 PM पर रहेगी। डेली आपकी 4 बजे क्लास रहा करेगी और आप सभी को इस क्लास में आना है बेटा। जो स्टूडेंट गेट की प्रिपरेशन करें तो गेट के लिए भी बैचेस चल रहे हैं, आप गेट के लिए भी अन अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड द वेट इज ओवर बेटा, वेट इज ओवर फ्रॉम द टूडे। यस फ्रॉम द टूडे आज से एक बैच स्टार्ट हुआ है, दैट इज एक्सेल ए एंड जेई बैच। एक्सेल ए एंड जेई बैच जिसमें मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स की आज पहली क्लास ली है। इसमें आपकी जो डेली क्लास हुआ करेगी वो 12 PM पर हुआ करेगी। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अन अकेडमी ज्वाइन नहीं किया है तो मैंने उनको 2 दिन की छुट्टी दी है, 26 तारीख और 27 तारीख की मैंने छुट्टी दी है। जो आपकी सेकेंड क्लास होगी वो 28 तारीख को होगी। तो 2 दिन तक आपके पास टाइम है, 2 दिन तक आपके पास टाइम है, तो आप उसको क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स लोगों के भी ज्वाइन करने का कहिए। ये जो बैच है फ्लूइड मैकेनिक्स का, इसमें हम 40+ आवर्स में फ्लूइड मैकेनिक्स करने वाले हैं, ओनली मैकेनिक्स, और अराउंड 20+ आवर्स में हम फ्लूइड मशीनरी करेंगे। तो काफी अच्छा डिटेल मैनर में हम जाने वाले हैं। बेसिक्स टू एडवांस रहेगा ये कोर्स। थ्योरी और प्रैक्टिस क्वेश्चन दोनों कवर होंगे, तो मतलब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्लास लेना है। सारे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन, SSC एग्जामिनेशन, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, सारे क्वेश्चन आपको क्लास में कवर करवाए जाएंगे। और जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, इस क्लास को देखने के लिए आपको यूज करना है रेफरल कोड विशाल11। तो जो स्टूडेंट मुझसे अन अकेडमी पर जुड़ना चाहते हैं, अन अकेडमी पर मुझे फॉलो करना चाहते हैं, मुझे यहाँ पर वो अन अकेडमी पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मेरी अन अकेडमी की जो प्रोफाइल है बेटा वो है learn.unacademy.com/@macvishal। ठीक है, आज नहीं है रोहित, कल होगा /@macvishal। तो जब आप /@macvishal पर जाएंगे तो आप मुझे अन अकेडमी पर फॉलो कर सकते हैं। और मेरी अन अकेडमी पर ये प्रोफाइल है और आपको ये वाली फोटो मिलेगी जिसमें मुझे मोर देन 1400 स्टूडेंट्स ने फॉलो कर रखा है। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती है और आपके पास कुछ हैट वगैरह है तो आप डेफिनेटली वो हैट हमें क्या कर सकते हैं, डेडिकेट कर सकते हैं। चलिए गाइस, तो बात करते हैं, दीज आर अवर सुपर 10 स्टूडेंट्स ऑफ द टूडेज क्लास। आज की जो क्लास थी उसमें हमने FM का टेस्ट लिया था, इंजीनियरिंग सर्विसेज में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए थे उस टेस्ट के ये सुपर 10 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, चलिए, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको करना कुछ नहीं है। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप में अपना गोल SSC चूज करके गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको 12 मंथ या फिर 24 मंथ का प्लान चूज करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद प्लान चूज करने के बाद आपको अपने बड़े भाई का रेफरल कोड विशाल11 लगाना है और हमारी तरफ से आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आपकी फीस हो जाएगी 5,400 रुपये और 2 साल की हो जाएगी 6,480 रुपये। अगर आप हमारी स्पेशल क्लास देखते हैं तो यू विल अर्न सम कॉइन्स और क्रेडिट्स, उसकी हेल्प से भी आप और 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है,
तो अगर हम बात करते हैं 1 महीने की फीस आपकी पड़ेगी 489 रुपीज की। तो 1 मंथ का अगर आप देखते हैं कि 12 मंथ का आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 1 मंथ का आपका फीस पड़ेगा 489 रुपीज। 489 रुपीज बेटा, मान लीजिए 500 रुपीज, तो एक दिन के लिए आप कितना दे रहे हैं? देखिए 30 0 से 0 कैंसिल्ड आउट हो गया। एक दिन के लिए आप दे रहे हैं 20 रुपीज, और सिर्फ 20 रुपीज में, एक दिन में 20 रुपीज में आप भारत की, इंडिया की नंबर 1 फैकल्टी से पढ़ेंगे। एक फैकल्टी से नहीं, सभी फैकल्टी से आप पढ़ेंगे। तो आप इसको डिवाइड करके देखिए, एक दिन के 20 रुपए, आई डोंट थिंक सो इट इज ए बिग डील। चलिए, तो इस फीस को आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ईएमआई के थ्रू पे कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास बेटा। आज का अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए, तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका जूल ब्रेटन साइकिल का रिवर्स फॉर्मेट, दैट इज अ रिवर्स जूल साइकिल, दैट इज रिवर्स जूल साइकिल। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम डालते हैं। देखिए, ये है आपका टॉपिक, अब आपके सामने आने वाला है। इसका नाम है बेटा आपका रिवर्स जूल साइकिल और रिवर्स ब्रेटन साइकिल, ठीक है? रिवर्स ब्रेटन साइकिल, रिवर्स ब्रेटन साइकिल। कल की VARS की क्लास कैसे लगी सभी बताएंगे मुझे? कल की VARS की क्लास कैसी थी फटाफट बताओ भाई, कल की VARS क्लास कैसी थी? ये जो रिवर्स ब्रेटन साइकिल होता है, ये आपके एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन में यूज में लिया जाता है। किसमें यूज में लिया जाता है? एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन में। किसमें यूज में लिया जाता है? एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम इसको यूज में लेते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, यस। अगर इसको हम एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम यूज में लेते हैं, तो इसमें वर्किंग फ्लूइड क्या होता है? सर इसमें वर्किंग फ्लूइड जो होता है, सर वर्किंग फ्लूइड जो इसमें होता है वो होती है एयर। वो कौन होती है? एयर होती है। तो अभी थोड़े दिन पहले हम ऐसा रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़ रहे थे जिसमें आपका रेफ्रिजरेंट लिक्विड फॉर्म में भी था और वेपर फॉर्म में भी था, लेकिन इस रिवर्स ब्रेटन साइकिल वाले सिस्टम में आपका रेफ्रिजरेंट सिर्फ और सिर्फ गैसियस फॉर्म में रहेगा। सिर्फ और सिर्फ किस फॉर्म में रहेगा? गैसियस फॉर्म में रहेगा। सो इट विल बी ऑलवेज रिमेन इन गैसियस फॉर्म। इस साइकिल में आपके वर्किंग फ्लूइड का फेज चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? फेज चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा। यस, फेज चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता, जो चीज आपने गौर नहीं की होगी। ऐसी डिवाइस जिसमें फेज चेंज होता है, ऐसी डिवाइस जिसमें फेज चेंज होता है, कौन कौन सी डिवाइस है वो? सर एक तो डिवाइस है हमारी कंडेंसर। तो जहां भी नाम आएगा कंडेंसर, उसमें फेज चेंज होगा। सर एक डिवाइस है हमारी इवेपोरेटर, एक डिवाइस है हमारी इवोपरेटर। कंडेंसर में क्या होता है? सर कंडेंसर में हमारा गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है। कंडेंसर में हमारा गैस किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड में। इवोपरेटर में क्या होता है सर? इवोपरेटर में सर हमारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। इवोपरेटर में हमारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। और अगर रिवर्स ब्रेटन साइकिल में आपका वर्किंग फ्लूइड हमेशा गैसियस फॉर्म में होगा, अगर आपका वर्किंग फ्लूइड हमेशा गैसियस फॉर्म में होगा, तो इसमें बेटा आपका कंडेंसर और इवोपरेटर यूज में नहीं लिया जाएगा। ये दिमाग में घुसा लेना बात, ये बात दिमाग में घुसा लेना कि रिवर्स ब्रेटन साइकिल में आपका वर्किंग फ्लूइड गैसियस फॉर्म में होता है और इसकी फेज चेंज नहीं होती। और अगर इसकी फेज चेंज नहीं होती तो कंडेंसर और इवोपरेटर इसमें यूज में नहीं लेंगे। अरे कंडेंसर और इवोपरेटर तब हम यूज में लेते हैं जहां पर फेज चेंज होता है। कौन सा चेंज होता है बोलो भे? कौन सा चेंज होता है? फेज चेंज होता है। क्या चेंज होता है? फेज चेंज होता है। यस, जो नोट्स हैं ओके, आपको वो मिल जाएंगे।
प्रिंस आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं विशाल 11 लगा के, और आप किसी भी क्लास को देख सकते हैं, ठीक है? विशाल 11 लगा के आप किसी भी क्लास को देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कोई जगह है जिसका टेम्परेचर मुझे कम मेंटेन करना है, ठीक है? ये कोई कोल्ड स्पेस है, ये कोई कोल्ड स्पेस है जिसका टेम्परेचर मुझे इन्वायरमेंट से कम मेंटेन करना है। क्या करना है बेटा? कम मेंटेन करना है। तो इसका टेम्परेचर इन्वायरमेंट से कम मेंटेन करने के लिए मैं यहां पर क्या करता हूं, यहां पर मैं लगाता हूं एक कूलर। क्या लगाता हूं मैं यहां पर? यहां पर मैं लगाता हूं एक कूलर। यहां पर क्या लगाता हूं मैं? कूलर लगाता हूं, ठीक है? यस, यहां पर मैं क्या लगाऊंगा? कूलर। और अगर मैं कूलर लगाता हूं, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा बेटा। अब ठीक है, चलिए यहां पर मैं लगाता हूं एक कूलर। कूलर का क्या फंक्शन होगा? देखो कूलर का फंक्शन क्या होगा? कूलर का फंक्शन होगा इस रेफ्रिजरेटेड स्पेस से हीट को एब्जॉर्ब करना, और ये हीट होगी आपकी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ये हीट क्या होगी आपकी? देखो ये हीट क्या होगी आपकी? ये हीट होगी हमारी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ये हीट क्या होगी हमारी? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं बालाजी, इट्स ओके। नाउ फ्रॉम हेयर एयर विल एंटर, फ्रॉम हेयर एयर विल एग्जिट, फ्रॉम हेयर एयर विल बी एंटर एंड फ्रॉम हेयर एयर विल बी एग्जिट। इसके बाद हम क्या करते हैं? इसका कंप्रेशन करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं? इसका कंप्रेशन करते हैं, कंप्रेशन करते हैं। यह है आपका कंप्रेसर, यह है आपका कंप्रेशर। दिस इज योर कंप्रेशर, दिस इज योर कंप्रेशर, ये कंप्रेशर है। और यहां से आपका एयर कंप्रेशर के अंदर एंटर करता है। इट विल एंटर इनटू द कंप्रेशर, उल्टा कर दिया। इट विल एंटर इनटू द कंप्रेशर फ्रॉम हेयर, यहां से एंटर करेगा और यहां से एग्जिट करेगा। ध्यान से सुनिएगा, यहां से एंटर करेगा और यहां से एग्जिट करेगा। उसके बाद ये किस में एंटर करेगा? उसके बाद ये यहां से किस में एंटर करेगा? अरे हमने इसको उल्टा कर दिया। इसको उल्टा कर दिया हमने। ये है आपका रेफ्रिजरेटर, और ये है आपका कूलर, ये है कूलर, ये है आपका कूलर, ठीक है? चलिए ये आपका कूलर में एंटर करेगा। किस में एंटर करेगा? कूलर में। और कूलर में एंटर करने के बाद इट विल रिजेक्ट द हीट टू द सराउंडिंग, इट विल रिजेक्ट द हीट टू द सराउंडिंग। उसके बाद ये यहां से एग्जिट होगा और ये एंटर करेगा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंडर में। किस में एंटर करेगा ये? आइसेंट्रोपिक एक्सपेंडर में एंटर करेगा ये। एक मिनट रुकिएगा, कहां से कंबशन चैम्बर आ जाएगा अनिमेश? कौन सा कंबशन चैम्बर भाई? हाँ सपनों में हो, कौन सा कंबशन चैम्बर? एयरक्राफ्ट सिस्टम थोड़ी पढ़ रहे हो, एयरक्राफ्ट का रेफ्रिजरेशन सिस्टम है ये, एयरक्राफ्ट का रेफ्रिजरेशन सिस्टम है ये, ठीक है? चलो
कंबशन चेंबर आग थोड़ी लगानी है भाई, ठंडा करना है। आग लगाने का काम कर रहे हो आप तो। सी अब, नाउ सी, दिस इज योर कंप्रेशर, दिस इज योर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंडर, टर्बाइन कह सकते हैं हम इसे। दिस इज योर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंडर, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंडर, दिस इज योर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, ठीक है। नाउ देखो, कंप्रेशन में जाने से पहले स्टेट वन, कंप्रेशर से निकलने के बाद स्टेट टू, थ्री एंड स्टेट फोर, तो चार प्रोसेस है यहाँ पे, चार प्रोसेस है यहाँ पे। तो देखिए क्या क्या प्रोसेस है, देखिए क्या क्या प्रोसेस है। नाउ कम टू द प्रोसेस वन टू टू। वन टू टू प्रोसेस क्या है सर? वन टू टू प्रोसेस है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। वन टू टू क्या है? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, एंट्रोपी विल रिमेन कॉन्स्टेंट। प्रोसेस टू टू थ्री क्या है? प्रोसेस टू टू थ्री क्या है बताओ? प्रोसेस टू टू थ्री क्या है सर? प्रोसेस टू टू थ्री इज कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। नाउ कम टू द प्रोसेस थ्री टू फोर। थ्री टू फोर क्या है सर? थ्री टू फोर है आपका आइसेंट्रोपिक, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। लिखेगा कोई कुछ भी नहीं, क्लास खत्म होने के बाद लिख सकते हो, अभी कोई नहीं लिखेगा। नाउ कम टू द प्रोसेस फोर टू वन इज आइसेंट कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्प्शन। कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया। और इसी कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट एडिशन में आपको मिलेगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। क्या मिलेगा? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, वेरी गुड रोहित, वेरी गुड फैबुलस बॉय, वेरी गुड मीनाक्षी, चलिए एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी गुड। नाउ नाउ चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम बनाते हैं। इसका पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। बोथ आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बोथ आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो दिस इज द प्रेशर एक्सिस, दिस इज द वॉल्यूम एक्सिस, दिस इज द टेम्परेचर एक्सिस, दिस इज द एंट्रोपी एक्सिस। नाउ पॉइंट नंबर वन आप कहीं भी मार्क कर सकते हैं, पॉइंट नंबर वन आप कहीं भी मार्क कर सकते हैं। सो दिस इज द पॉइंट नंबर वन, और इस पॉइंट नंबर वन पर जो प्रेशर होगा, इस पॉइंट नंबर वन पर जो प्रेशर होगा वो होगा आपका पी वन। इस पॉइंट नंबर वन, स्टेट नंबर वन पर जो आपका प्रेशर होगा वो होगा आपका पी वन। अब वन से टू क्या हो रहा है देखो बेटा, वन से टू हो रहा है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है तो मुझे आप बताइए, प्रेशर इंक्रीज होता है और वॉल्यूम डिक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है और वॉल्यूम डिक्रीज होता है। तो देखिए कंप्रेशन होगा तो आपको कैसा नजर आएगा? दिस इज द आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ये क्या है बेटा? आइसेंट, एक्चुअली इट इज ए कर्व, लेकिन मैं अपनी ड्राइंग को आसान बनाने के लिए स्ट्रेट लाइन से बना रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन से मैं बना रहा हूँ, ठीक है। दिस इज द स्टेट टू, दिस इज द स्टेट वन। इसके बाद क्या होगा देखिए, वन से टू के बाद कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। कॉन्स्टेंट प्रेशर पर जो हीट रिजेक्शन होता है, तो हीट रिजेक्शन होने से
वॉल्यूम इंक्रीज होगा या डिक्रीज हीट रिजेक्शन होने से, ये मैंने आपको बताया है, हीट रिजेक्शन होने से, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट रिजेक्शन होने से वॉल्यूम इंक्रीज होगा या डिक्रीज, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट रिजेक्शन होने से वॉल्यूम इंक्रीज होगा या डिक्रीज, बताओ बेटा। अगर कांस्टेंट प्रेशर पर हीट रिजेक्ट होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा या डिक्रीज, यस एनिमेस, वेरी गुड, इट विल डिक्रीज, वॉल्यूम विल डिक्रीज, यस 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 यस, वॉल्यूम विल डिक्रीज। सो 2 to 3 इज कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, 2 to 3 इज कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, कैसा प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, वेरी गुड, एक्सीलेंट स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, एक्सीलेंट स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, एक्सपेंशन होता है तो वॉल्यूम इंक्रीज होती है डिक्रीज, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर एक्सपेंशन होता है तो सर वॉल्यूम होता है इंक्रीज, तो देखो वॉल्यूम होता है इंक्रीज, एक्सपेंशन होता है तो वॉल्यूम होता है इंक्रीज। सो दिस इज प्रोसेस 3 to 4, दिस इज प्रोसेस 3 to 4, मजा आया बनाने में, दिस इज प्रोसेस 3 to 4। और उसके बाद आपको मिलता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, प्रोसेस 4 to 1, कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट प्रेशर पर आपको मिलेगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, प्रोसेस 4 to 1, प्रोसेस 4 to 1। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, यस सर यस सर यस सर। चलिए नाउ सी, 2 से 3 में क्या हो रहा है सर, 2 से 3 में हो रहा है सर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, तो कंप्रेशन हमें देना पड़ेगा डब्ल्यू सी सर, 2 से 3, 1 से 2 में सॉरी कंप्रेशन हमें देना पड़ेगा डब्ल्यू सी, और 2 से 3 में क्या हो रहा है सर, सर 2 से 3 में हो रहा है हमारा कांस्टेंट प्रेशर पर हीट रिजेक्शन, तो ये है आपका कांस्टेंट प्रेशर पर हीट रिजेक्शन, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट रिजेक्शन। ये प्रोसेस कौन सा है बेटा, सर ये प्रोसेस है हमारा पीवी रेस टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, पीवी रेस टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। नाउ प्रोसेस 3 से 4 में क्या हो रहा है सर, प्रोसेस 3 से 4 में हो रहा है सर एक्सपेंशन वर्क, सो दिस इज सर डब्ल्यू टी, दिस इज डब्ल्यू टी, दिस इज डब्ल्यू टी, और ये कैसे हो रहा है सर, ये हो रहा है सर पीवी रेस टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, पीवी रेस टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है, पीवी रेस टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। चलिए शैल वी मूव ऑन, नाउ प्रोसेस 4 से 1 में क्या हो रहा है, प्रोसेस 4 से 1 में क्या हो रहा है, प्रोसेस 4 से 1 में सर, प्रोसेस 4 से 1 में हो रहा है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, अगर प्रोसेस 4 से 1 में रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो तो देखो कैसे हो रहा है, दिस इज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट एंड दिस रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज एट द कांस्टेंट प्रेशर, दिस रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज एट द कांस्टेंट प्रेशर, ये किस पर होगा, कांस्टेंट प्रेशर पर होगा। क्या ये सभी प्रोसेस सबको क्लियर है पीवी डायग्राम में, चलिए वेरी गुड वेरी गुड अरविंद, यस 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 यस। चलिए नाउ कम टू द टीएस डायग्राम, टीएस डायग्राम सबसे धांसू डायग्राम है, टीएस डायग्राम सबसे धांसू डायग्राम है, ठीक है, टीएस डायग्राम सबसे धांसू डायग्राम है बेटा, सबसे धांसू डायग्राम है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, टीएस डायग्राम में सुपर हीटेड स्टेट में कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन बनाता हूँ, कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन बनाता हूँ। अब देखिएगा 1 to 2 प्रोसेस इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, कंप्रेशन करने पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है या डिक्रीज, सर कंप्रेशन करने पर टेम्परेचर होता है इंक्रीज, कंप्रेशन करने पर सर टेम्परेचर होता है इंक्रीज, तो लीजिए टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया सर, टेम्परेचर होता है इंक्रीज, क्या इंक्रीज होता है बेटा, टेम्परेचर होता है इंक्रीज, सो दिस इज प्रोसेस 1 to 2, दिस इज 1 नंबर स्टेट, दिस इज द 2 नंबर स्टेट, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, कैसा कंप्रेशन है बेटा, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, यस यस अरविंद। नाउ 2 to 3 प्रोसेस में हो रहा है हीट रिजेक्शन, और हीट रिजेक्शन से टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और टेम्परेचर डिक्रीज होने के साथ साथ एंट्रोपी भी डिक्रीज होती है, हीट रिजेक्शन होने से एंट्रोपी भी डिक्रीज होती है, तो एंट्रोपी भी डिक्रीज हो रही है, टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है, एंट्रोपी भी डिक्रीज हो रही है, टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है,
दिस इज 2 to 3, दिस इज 2 to 3, यस यस फैबुलस बॉय, वेरी गुड, 2 to 3। उसके बाद क्या होगा देखिए सर, उसके बाद होगा हमारा सर 3 से 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। एक्सपेंशन होने से हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है तो सर एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी, एंट्रोपी चेंज नहीं होगी, एंट्रोपी चेंज नहीं होगी। सो दिस इज 3 to 4 प्रोसेस, दिस इज 3 to 4 प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? 3 से 4, 4 से 1 में, 4 से 1 में, 4 से 1 में हो रहा है आपका हीट एडिशन, 4 से 1 में हो रहा है आपका हीट एडिशन, 4 से 1 में क्या हो रहा है? हीट एडिशन। तो अगर 4 से 1 में हीट एडिशन हो रहा है तो एंट्रोपी क्या होगी? इंक्रीज। एंट्रोपी क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी। तो चलिए देखिए क्या क्या प्रोसेस हो रहा है आपको यहाँ पर मैं बताता हूँ। 2 से 3 में एंट्रोपी हो रही है डिक्रीज। हाँ करो होगा बेटा, करो होगा निमेश। 2 से 3 में एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है मतलब हीट का हो रहा है रिजेक्शन। दिस इज द रिजेक्शन ऑफ हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। सो 4 to 1 इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इज नथिंग, इट इज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। और ये भी किस पे हो रहा है सर? ये भी सर हमारा कॉन्स्टेंट प्रेशर पर हो रहा है। 1 से 2 प्रोसेस में क्या हो रहा है सर? सर 1 से 2 प्रोसेस में हो रहा है सर वर्क इनपुट टू द कंप्रेशन। सो दिस इज डब्ल्यू सी इन विच पी वी रेस टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। 3 से 4 में क्या हो रहा है सर? सर 3 से 4 में हो रहा है सर हमारा वर्क इनपुट, वर्क आउटपुट बाय टर्बाइन। और ये भी सर कैसा हो रहा है सर? ये हो रहा है आइसेंट्रोपिक, विच मीन्स पी वी रेस टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, पी वी रेस टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। क्या ये डायग्राम सभी को क्लियर है? फटाफट बताओ भाई। क्या ये डायग्राम सभी को क्लियर है? यस यस यस, चलिए चलिए चलिए, वेरी गुड। ओके ओके ओके, नाउ लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। देखो बेटा, अगर मैं बात करता हूं वर्क इनपुट टू द कंप्रेशर, तो वर्क इनपुट टू द कंप्रेशर क्या होगा? वर्क इनपुट टू द कंप्रेशर क्या होगा सर? हमारा जो कंप्रेशर है वो ओपन डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? ओपन डिवाइस है। तो वर्क इनपुट टू द कंप्रेशर यहां से, यहां से, यहां से यहां तक, समझ रहे हो मेरी बात? वर्क इनपुट टू द कंप्रेशर इज दिस एरिया, वर्क इनपुट टू द कंप्रेशर इज दिस एरिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? वर्क इनपुट टू दिस कंप्रेशर इज दिस एरिया, वर्क इनपुट टू द कंप्रेशर इज दिस एरिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हम इतना वर्क इनपुट दे रहे हैं कंप्रेशर को, ओपन सिस्टम है, तो पी एक्सिस पर, प्रेशर एक्सिस पर एरिया प्लॉट होगा। ठीक है, ओपन सिस्टम है तो प्रेशर वाली एक्सिस पर एरिया प्लॉट होगा। ठीक है, चलो टरबाइन में, टरबाइन में कितना वर्क हम दे रहे हैं? टरबाइन में हम कितना वर्क ले रहे हैं? टरबाइन हमें कितना वर्क देगा? देखो टरबाइन हमें इतना वर्क देगा, टरबाइन हमें इतना वर्क देगा। टरबाइन तो वर्क देता है ना, कंप्रेशर वर्क लेता है, टरबाइन हमें इतना वर्क देगा, टरबाइन हमें इतना वर्क देगा, है ना? तो कौन सा वर्क ज्यादा है? कंप्रेशर वाला वर्क ज्यादा है या टरबाइन वाला वर्क ज्यादा है? कंप्रेशर वाला वर्क ज्यादा है या टरबाइन वाला वर्क ज्यादा है, बताओ बेटा? कंप्रेशर वाला वर्क ज्यादा है या टरबाइन वाला? यस, कंप्रेशन वाला वर्क ज्यादा है।
कैसा वर्क ज्यादा है? कंप्रेशन वाला वर्क ज्यादा है। वेरी गुड अनिमेश, वेरी गुड अनिमेश। बाकी भी आंसर दो, बाकी भी आंसर दो। यस, कंप्रेशर वाला वर्क ज्यादा है। तो देखिए नेट वर्क क्या होता है, नेट वर्क क्या होता है सर? नेट वर्क इज इक्वल्स टू द कंप्रेशर वर्क माइनस ऑफ टर्बाइन वर्क। कंप्रेशर वर्क माइनस ऑफ टर्बाइन वर्क, यहां पर कंप्रेशर वर्क ज्यादा है एज कंपेयर टू द टर्बाइन वर्क। कंप्रेशर वर्क ज्यादा है एज कंपेयर टू द टर्बाइन वर्क। यस, वेरी गुड अरविंद, कोमल, फैबलस, गो, एक्सीलेंट दीक्षा। तो देखो यहां पर कंप्रेशर वर्क ज्यादा है एज कंपेयर टू द टर्बाइन वर्क, है ना? देखिए मान लीजिए आपने कंप्रेशन को वर्क दिया 20 जूल, कितना वर्क दिया 20 जूल, और टर्बाइन ने आपको वर्क दिया मान लीजिए 8 जूल, कितना जूल 8 जूल। तो आपकी जेब से कितना खर्चा हुआ? आपने कंप्रेशर को दिया 20 रुपीस, टर्बाइन ने आपको दे दिया 8 रुपीस, तो आपकी जेब से कितना खर्चा हुआ? जेब से कितना खर्चा हुआ बोलो भाई, जेब से कितना खर्चा हुआ? सर जेब से हुआ सर हमारा नेटवर्क, सर जेब से हुआ हमारा नेटवर्क। और कितना नेटवर्क हुआ सर? 12 जूल। कितना नेटवर्क हुआ? 12 जूल। यस, वेरी गुड। पहले हम पढ़ते आ रहे थे कि जो सीओपी होता है, ये सीओपी होता है बेटा आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क इनपुट। वर्क इनपुट ये किस में हम पढ़ते आ रहे थे सर? हम ये वीसीआरएस में पढ़ते आ रहे थे। किस में पढ़ रहे आ रहे थे? वीसीआरएस में। क्यों? क्योंकि सर वहां में आउटपुट कुछ नहीं मिलता था, आउटपुट कुछ नहीं मिलता था, इसलिए सिर्फ हम इनपुट कंसिडर करते थे। अरे बेटा एक्चुअली नीचे नेटवर्क होता है, नीचे नेटवर्क होता है, और वीसीआर साइकिल में वर्क इनपुट माइनस वर्क आउटपुट। वीसीआर साइकिल में वर्क आउटपुट हमें कुछ नहीं मिलता था, तो नेटवर्क हमारा वर्क इनपुट रहता था। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ बदले में मिल रहा है, कुछ ना कुछ हमें बदले में मिल रहा है, तो इसलिए हमें यहाँ पर सीओपी में नीचे की तरफ नेटवर्क का फॉर्मूला यूज में लेना पड़ेगा। किसका फॉर्मूला यूज में लेना पड़ेगा? नेटवर्क का फॉर्मूला यूज में लेना पड़ेगा। तो अगर हम बात करते हैं सीओपी ऑफ रिवर्स ब्रेटन साइकिल की, तो रिवर्स ब्रेटन साइकिल की जो सीओपी होगी वो क्या होगी सर? वो होगी सर हमारा डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइड बाय नेटवर्क। डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइड बाय नेटवर्क, ठीक है? या तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइड बाय कंप्रेशर वर्क माइनस ऑफ टर्बाइन वर्क, कंप्रेशन वर्क माइनस ऑफ एक्सपेंशन वर्क। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर, डेफिनेटली डेफिनेटली। तो ये चीज आपको याद रखनी, ये चीज आपको याद रखनी है, डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइड बाय डब्ल्यू सी माइनस ऑफ डब्ल्यू टी। ये सिर्फ इसी आरबीसी में ही आता है, और कहीं नहीं आता है, ये सिर्फ आरबीसी में ही आता है। चलिए वेरी गुड, एक्सीलेंट स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया। नाउ लेट अस फाइंड आउट द सीओपी ऑफ आरबीसी, लेट अस फाइंड आउट द सीओपी ऑफ आरबीसी। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सीओपी ऑफ आरबीसी? डिजायर्ड इफेक्ट, डिजायर्ड इफेक्ट हमें कहाँ मिल रहा है सर? डिजायर्ड इफेक्ट मिल रहा है हमें 4 से 1 में, 4 से 1 में हमें मिल रहा है। तो डिजायर्ड इफेक्ट क्या होगा? H1 माइनस ऑफ H4। डिजायर्ड इफेक्ट क्या होगा सर? H1 माइनस ऑफ H4, H1 माइनस ऑफ H4 डिवाइड बाय कंप्रेशन वर्क। कंप्रेशन वर्क है 1 से 2, तो ये क्या होगा बेटा? ये क्या होगा सर? H2 माइनस ऑफ H1 माइनस ऑफ टर्बाइन वर्क। टर्बाइन वर्क कहाँ मिल रहा है सर? 3 से 4 में, तो H3 माइनस ऑफ H4, H3 माइनस ऑफ H4। इज इट क्लियर? यस यस यस। यो 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 हनी सिंह, देखो H1 माइनस ऑफ H4, H1 माइनस ऑफ H4, वन सेकेंड, ठीक है ठीक है, H1 माइनस ऑफ H4। लिसन केयरफुली, मैं नीचे कुछ हेरा फेरी कर रहा हूं, नीचे कुछ मैं हेरा फेरी कर रहा हूं। मैंने क्या हेरा फेरी की? मैंने इसको लिखा, देखो मैंने इसको ऐसे लिखा, देखो मैंने इसको ऐसे लिखा सर, H2 माइनस ऑफ H3 माइनस
माइनस ऑफ H4, कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल सर, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए क्या होगा सर, COP ऑफ RBC, बेटा ये रेड ब्लड सेल नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, H1 और H4 को नीचे लेके जाता हूँ। तो जब मैं H1 और H4 को नीचे लेके जाऊंगा, मुझे यहाँ क्या मिलेगा सर, मुझे मिलेगा यहाँ पर 1, यहाँ मिलेगा सर मुझे H2 माइनस ऑफ H3, H2 माइनस ऑफ H3 डिवाइड बाय डिवाइड बाय डिवाइड बाय H1 माइनस ऑफ H4 माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 1। क्या ये बात समझ में आई? नीचे हेरा फेरी की है मैंने थोड़ी, नीचे मैंने हेरा फेरी की है थोड़ी। नीचे मुझे क्या मिलेगा, H2 माइनस H3, H1 माइनस H4 माइनस ऑफ 1, H1 माइनस H4 माइनस ऑफ 1। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस यस यस, एक्सलेंट स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया। तो जो स्टूडेंट थोड़ा लेट आए हैं, प्लीज बाद में भी वीडियो देख लेना, जाने की कहीं भी जरूरत नहीं है। नाउ एयर, एयर इज यूज्ड एज ए वर्किंग फ्लूइड, और एयर आपकी आइडियल गैस है। एयर आपकी कैसी गैस है? आइडियल गैस है। तो यहाँ नीचे क्या आएगा, देखो H2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ सर, H2 की जगह मैं लिख सकता हूँ CpT2 माइनस, यहाँ लिख सकता हूँ मैं CpT3, CpT3 डिवाइड बाय CpT1 माइनस ऑफ CpT4 माइनस ऑफ 1। सोना मिल रहा है बेटा आज यहाँ पर, सोना, गोल्ड, क्या मिल रहा है, गोल्ड मिल रहा है, असली वाला गोल्ड मिल रहा है, आलू वाला गोल्ड नहीं मिल रहा है। चलो COP ऑफ RBC, COP ऑफ RBC ये किसके इक्वल होगा, देखो 1 डिवाइड बाय CP सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऊपर बचेगा आपके T2 माइनस ऑफ T3 डिवाइड बाय, यहाँ बचेगा आपके T1 माइनस ऑफ T4 माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 1। यस यस यस, इसको अब देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ देखो 1 1 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय, देखो ऊपर से मैं क्या करता हूँ, T2 को कॉमन लेता हूँ, ऊपर से मैंने क्या किया है, T2 को कॉमन लिया है, T2 अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस T3 डिवाइड बाय T2, 1 माइनस T3 डिवाइड बाय T2। नीचे मैं क्या करता हूँ, नीचे मैं कॉमन लेता हूँ T1 को, अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस T4 डिवाइड बाय T1, और माइनस का 1 यहाँ पे चल रहा है, माइनस का 1 यहाँ पर चल रहा है, माइनस का 1 यहाँ पर चल रहा है ना। अब ध्यान से इसको पढ़ो, ध्यान से इसको पढ़ो, ध्यान से इसको पढ़ो, और कोई भी डाउट हो तो मुझे बताओ, कोई भी डाउट हो तो मुझे बताओ बेटा, ठीक है? ध्यान से पढ़ो, कोई भी एक्सप्रेशन में दिक्कत आ रहा है तो मुझे बताइए, है ना, कोई भी एक्सप्रेशन में दिक्कत आ रहा है तो मुझे बताइए। यस यस यस, एक्सलेंट स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, यस, चलिए चलिए चलिए, वेरी गुड। वेरी गुड वेरी गुड, चलिए चलिए चलिए, ठीक है। आगे बढ़े हम, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, नाउ कम टू द प्रोसेस 1 to 2। प्रोसेस 1 to 2 में क्या हो रहा है सर, सर प्रोसेस 1 to 2 में हो रहा है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। और अगर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है तो आपको पता है कि जो P2 डिवाइड बाय P1 होगा, या अगर हम बात करें
जो टी टू डिवाइड बाय टी वन होगा वो आपका पी टू डिवाइड बाय पी वन रेज टू द पावर गामा माइनस वन डिवाइड बाय गामा होगा। और जो आपका प्रोसेस थ्री टू फोर हो रहा है वो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है। वो सभी क्या है? आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है ना? वो सभी क्या है बेटा? आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है। तो अगर वो सभी आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है तो टी थ्री डिवाइड बाय टी फोर किसके इक्वल होगा? टी थ्री नहीं, चलो सही है, पी थ्री डिवाइड बाय पी फोर रेज टू द पावर गामा माइनस वन डिवाइड बाय गामा। गामा माइनस वन डिवाइड बाय गामा किसके इक्वल होगा? गामा माइनस वन डिवाइड बाय गामा के इक्वल होगा। अब देखिए जरा, प्रोसेस टू से थ्री कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, मतलब आपका जो प्रेशर पी टू है वही आपका प्रेशर पी थ्री है, और प्रोसेस फोर टू वन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो जो आपका प्रेशर पी फोर है वही प्रेशर आपका पी वन है। वही आपका प्रेशर क्या है? पी वन है ना? वही आपका प्रेशर है पी वन। तो जो आपका प्रेशर है पी टू वही आपका प्रेशर पी थ्री है, जो है आपका प्रेशर पी फोर वही आपका प्रेशर पी वन है। तो यहां मैं पी थ्री की जगह क्या लिख सकता हूँ? पी टू। पी फोर की जगह क्या लिख सकता हूँ? पी वन। तो दिस इज इक्वल्स टू गामा माइनस वन डिवाइड बाय गामा। तो पी टू अपॉन पी वन गामा माइनस वन डिवाइड बाय गामा इज इक्वल्स टू टी थ्री डिवाइड बाय टी टू, और इसी के साथ साथ ये टी टू डिवाइड बाय टी वन के भी इक्वल है। तो मैं इन दोनों इक्वेशन से लिख सकता हूँ कि जो मेरा टी टू डिवाइड बाय टी वन होगा इट इज इक्वल्स टू टी थ्री डिवाइड बाय टी फोर, टी थ्री डिवाइड बाय टी फोर। ऐसा आपने नियम तीन चार जगह देखा होगा, है ना? ऐसा आपने नियम तीन चार जगह देखा होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो टी वन टी थ्री होगा ये आपका टी टू टी फोर के इक्वल आएगा। ये आपने आईसी इंजन में भी देखा होगा, है ना? आईसी इंजन में भी देखा होगा, वहां भी आया था टी वन टी थ्री का प्रोडक्ट टी टू टी फोर के इक्वल आएगा। इसके इक्वल आएगा? टी टू टी फोर के इक्वल आएगा। ओके, टी टू टी फोर के इक्वल आएगा, मतलब ओड का जो मल्टीप्लाई है वो इवन के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा? इवन के। और यहां देखो टी थ्री बटा टी टू किसके इक्वल होगा? सर टी थ्री डिवाइड बाय टी टू विल बी इक्वल्स टू सर टी फोर डिवाइड बाय टी वन। और अगर मैं दोनों में से माइनस करता हूँ, वन में से इसको माइनस कर देता हूँ, वन माइनस टी थ्री डिवाइड बाय टी टू इट विल बी इक्वल्स टू वन माइनस टी फोर डिवाइड बाय टी वन, या वन माइनस टी फोर डिवाइड बाय टी वन के इक्वल होगा। तो कहने का मतलब ये है वन माइनस टी थ्री डिवाइड बाय टी टू वन माइनस टी फोर डिवाइड बाय टी वन के इक्वल होगा, तो ये आपस में कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे। हाँ, डीजल में नहीं होता रोहित, डीजल में नहीं होता, ऑटो में होता है। डीजल में मत कर देना, पंखे से उल्टे लटक जाओगे। डीजल में एक कॉन्स्टेंट प्रेशर रेट, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है, इसलिए नहीं होता, इसलिए नहीं होता। डीजल में नहीं होगा, ऑटो में होगा। तो टी थ्री डिवाइड बाई टी टू एंड टी फोर डिवाइड बाई टी वन ये आपस में कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे। तो जब ये आपस में कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे तो आपकी सीओपी का फॉर्मूला क्या आएगा बताओ? सीओपी ऑफ रिवर्स ब्रेटन साइकिल ये किसके इक्वल आएगा सर? सर ये हमारा वन, सिर्फ ऑटो में होता है वो, डिवाइड बाय टी टू डिवाइड बाय टी वन माइनस ऑफ वन, टी टू डिवाइड बाय टी वन माइनस ऑफ वन। और टी टू डिवाइड बाय टी वन किसके इक्वल है? टी टू डिवाइड बाय टी वन किसके इक्वल है? पी टू डिवाइड बाय पी वन रेज टू द पावर गामा माइनस वन डिवाइड बाय गामा। पी टू डिवाइड बाय पी वन रेज टू द पावर गामा माइनस वन डिवाइड बाय गामा। आगे बढ़े, चलिए सीओपी ऑफ आरबीसी, ठीक है, सीओपी ऑफ आरबीसी इज इक्वल्स टू वन अपॉन में, वन अपॉन में सर टी टू डिवाइड बाय टी वन माइनस ऑफ वन। इसको मैं क्या लिख सकता हूं सर? सर इसको मैं लिख सकता हूं वन डिवाइड बाय, वन डिवाइड बाय
टी टू बाई टी वन को क्या लिख सकते हैं सर? टी टू बाई टी वन को लिख सकते हैं सर पी टू डिवाइड बाई पी वन रेज टू द पावर गामा माइनस वन डिवाइड बाई गामा माइनस ओ वन, माइनस ओ वन। यस 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 अरविंद वर्मा, वेरी गुड, एक्सेलेंट स्टूडेंट ऑफ इंडिया। नाउ और क्या लिख सकता हूँ मैं इसको सर? और सीओपी को मैं रिवर्स ब्रेटन साइकिल को मैं लिख सकता हूँ सर वन डिवाइड बाय, क्या लिख सकता हूँ? वन डिवाइड बाय सर प्रेशर रेशियो, प्रेशर रेशियो रेज टू द पावर गामा माइनस वन डिवाइड बाय गामा माइनस ऑफ वन, प्रेशर रेशियो रेज टू द पावर गामा माइनस वन डिवाइड बाय गामा माइनस वन। ध्यान रखिएगा ये थोड़ा सा अजीब सा फॉर्मूला है बेटा, ये प्रेशर रेशियो है, ये प्रेशर रेशियो है, बताते हैं अभी फैबुलस भाई, उसी पर आ रहा हूं मैं। ये आपका सीओपी ऑफ आरबीसी है, सीओपी ऑफ क्या है बेटा? आरबीसी, सीओपी ऑफ रिवर्स ब्रेटन साइकिल, सीओपी ऑफ रिवर्स ब्रेटन साइकिल है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये सभी को चीज क्लियर हो गई है? सीओपी ऑफ आरबीसी कितना सुंदर फॉर्मूला आया है, वन अपॉन में आरपी, और आरपी क्या है भाई सर? आरपी है हमारा सर प्रेशर रेशियो, कंप्रेशन रेशियो नहीं है, प्रेशर का रेशियो है, आरपी इज द प्रेशर रेशियो। प्रेशर रेशियो मतलब सर पी टू डिवाइड बाई पी वन, और इस आरपी का वैल्यू मोर देन वन होता है, इस आरपी का वैल्यू मोर देन वन होता है, क्या होता है? मोर देन वन, मोर देन वन। तो इसीलिए सीओपी ऑफ आरबीसी किस पर डिपेंड करेगी? सीओपी ऑफ आरबीसी सर किस पर डिपेंड करेगी सर? सीओपी ऑफ आरबीसी इज द फंक्शन ऑफ प्रेशर रेशियो एंड एडियाबेटिक इंडेक्स, प्रेशर रेशियो एंड एडियाबेटिक इंडेक्स। क्या ये चीज सबको समझ में आई? मजा आया क्या? मतलब डिटेल में पढ़ने में, मलाई खाने में बहुत मजा आता है ना? सोना मिला है आज आपको, सोना। यस यस यस, एक्सीलेंट स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यस रोहित, यस रोहित, अब किसी का कोई डाउट हो तो पूछो। जैसे फैबुलस बॉय ने बहुत अच्छी बात पूछी कि सर व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ रिवर्स ब्रेटन साइकिल, रिवर्स ब्रेटन साइकिल का क्या बेनिफिट होता है, यह भी मैं आपको बताने वाला हूँ। यस अहमद साहब, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए नाउ देखो, ये सिंपल सा डायग्राम था, ये आप डायग्राम देख सकते हैं, कंप्रेशर एक्सपेंडर रेफ्रिजरेटर कंडेंसर यूज में आ रहा है ना? चलो ये इसका पीवी और टीएस डायग्राम था जिसको हमने डील कर लिया था, है ना? पीवी और टीएस डायग्राम को हमने डील कर लिया था। चलो पीवी टीएस डायग्राम को हमने डील कर लिया। अब देखिए, अब आपके मन में सबसे पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि इसका यूज हम क्यों करते हैं। देखिए, इट्स ओके शिवानी, इट्स ओके, आप बने रहिए अहमद। इसको हम एयर रेफ्रिजरेशन में यूज करते हैं, स्टार्टिंग में हमने बताया था। देखिए, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द आरबीसी? देखिए, अगर हम बात करते हैं वेट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, वेट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, तो इसका जो वेट होता है वो कम होता है, तो इसका वेट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन मिनिमम होता है। क्या होता है? मिनिमम होता है। अगर यही मैं बात करता हूं टन ऑफ रेफ्रिजरेशन पर यूनिट वेट, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन पर यूनिट वेट, तो इसका टन ऑफ रेफ्रिजरेशन मतलब इसका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट फॉर द सेम वेट ऑफ द सिस्टम ज्यादा होता है, ये मैक्सिमम होता है। समझने की कोशिश कीजिए, आप दो रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज में ले रहे हो, आप दो रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज में ले रहे हो, दोनों रेफ्रिजरेशन सिस्टम में 1 TR रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बनाना है, दोनों रेफ्रिजरेशन सिस्टम में 1 TR रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बनाना है, और अगर 1 TR रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बनाना है
तो उस केस में रिवर्स ब्रेटन साइकिल का जो वेट होगा वो मिनिमम होगा, हल्की होगी ये साइकिल, हल्की। दो साइकिल लेते हो दोनों का वेट बराबर है, दो साइकिल लेते हो दोनों का वेट बराबर है, तो रिवर्स ब्रेटन साइकिल आपका सबसे ज्यादा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो उसका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट फॉर द सेम वेट मैक्सिमम होगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि वेट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन पूछा है या पर टन रेफ्रिजरेशन पर यूनिट ऑफ वेट पूछा है, तो इसका ध्यान रखना कौन मिनिमम है कौन मैक्सिमम है, फिर आंसर देना है, क्योंकि ऑप्शन में मिनिमम भी अवेलेबल होगा मैक्सिमम भी अवेलेबल होगा। क्वेश्चन को देख के कॉमन सेंस लगा के आंसर देना है, ठीक है? क्वेश्चन को देख के कॉमन सेंस लगा के आंसर को देना है। आई बात समझ में? आई बात ना समझ में? चलिए अब मैं आपको एक टास्क देता हूं, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। किस सेक्शन में देना है? वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन क्या है? वाई आइसेंट्रोपिक, यहां कोई आंसर नहीं देगा, कल के क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, वाई आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन इज प्रेफर्ड इन रिवर्स ब्रेटन साइकिल। पूरा आंसर देना है आपको कमेंट सेक्शन में, सबको प्रॉमिस है आपको। इन रिवर्स ब्रेटन साइकिल ओवर आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन, ओवर आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन, ठीक है? हम रिवर्स ब्रेटन साइकिल में आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन करवाते हैं, इसमें हम VCRS की तरह आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन क्यों नहीं करवाते हैं? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। किस सेक्शन में देना है? कमेंट सेक्शन में देना, ठीक है? चलिए तो सेशन को यही बाइंड अप करते हैं और फिर हम देखते हैं। आप हमारे इन फेसबुक चैनल से भी जुड़ सकते हैं, इन फेसबुक ग्रुप पे हमारे 10,000 मेंबर, 1,50,000 मेंबर है, यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर जुड़ने के बाद आप अपनी जो भी डाउट आता है उसको पोस्ट कर सकते हैं, और जब भी आप डाउट को पोस्ट करें आप #Vishal11 जरूर लिखें, आप #Vishal11 जरूर लिखें। रुको भाई फेबलस बॉय, रुको बाबू। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का नाम है Unacademy SSC JN। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी PDF और PPT जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी, और जो भी फ्यूचर की जो क्लासेस आती है उसकी सारी नोटिफिकेशन आपको वहां भी मिल सकती है। और इसी के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि सारी जो न्यू वीडियोस आएंगी, जो भी न्यू सब्जेक्ट्स आएंगे, जो भी न्यू आपके लेसन्स आएंगे, वो आपसे मिस नहीं होंगे। और ये हमारे इंडिया के #1 स्टडी चैनल है, जो कि हमारी टीम द्वारा चलाए जा रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर आपको 10 चैनल देखने को मिलेंगे, और इन सभी 10 चैनल में से आपके लिए जो बेस्ट चैनल है आप उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, सभी का हम स्वागत करते हैं तहे दिल से। नेक्स्ट क्लास में अगर आप लेट हो चुके हो तो आप नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू आइएगा, और नेक्स्ट क्लास को देखने से पहले इस सेशन को जरूर देखिएगा। अभी आपका रिवर्स ब्रेटन साइकिल 10-20% बच रहा है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डील कर लेंगे। कोई भी आपको डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? और जो न्यू स्टूडेंट है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड लोगों के साथ, सभी के साथ शेयर कीजिए कि अन अकेडमी के द्वारा एक रेवोल्यूशन चलाया जा रहा है, कि एकदम क्वालिटी एजुकेशन आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये चैनल मेरा नहीं है, ये चैनल आप सभी का है, तो हम सभी को मिलकर इस चैनल को आगे बढ़ाना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फैलाना है। हर स्टूडेंट के मुंह पर एक ही नाम होना चाहिए, #Vishal11, #Vishal11, हर स्टूडेंट का एक ही नारा, Vishal11, Vishal11। तो गाइज बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, स्टे होम स्टे सेफ, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवार वालों के साथ रहिए। जय हिंद, जय भारत।